अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल कैरियस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। नाल ही तबाहियाँ शुरू हो जाती हैं ने व्लॉग ऑन करने की देर होती है। अच्छा जनाब, वेलकम बैक। मैंने व्लॉग शूट किया था कल, लेकिन वो टाइम से अपलोड नहीं कर सकी। मैंने कहा चलो आज अपलोड कर दूँगी। अब ये जो है ना, ये स्पेशली हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल के लिए, क्योंकि वीडियोस जो है ना, अब टेक्सचर्स ड्राई हैं, शुक्र अल्लाह का टेक्सचर्स तो ड्राई हो रहे हैं, लेकिन वीडियोस अभी फ़िलहाल नहीं बन रही, क्योंकि बाहर थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जिसकी वजह से ना फिर मुझे मसला होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना दरअसल हमारे यहाँ पर डल रहे हैं पाइप शाइप। ये देखो भाई, पहले मैं सारा काम छोड़ दूँ, मैं पहले बाहर का काम दिखाती हूँ। यहाँ पर ना थोड़ा सा काम हो रहा है, ये देखो, ठीक है। फिर इसकी वजह से बड़ा शोर होता है। आप लोग कहोगे वो नेते भी शुरू करते हैं तो शोर शोर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, फिर मुझे मज़ा नहीं आता। पहले तो आप लोग छत का हाल देखो, ठीक है। क्रेडिट गोज टू माय मॉम। आगे भी आओ, यहाँ पे एक और टेक्सर है जो कि मम्मा शेप्स बना रही हैं। यहाँ पे एक टेक्सर, फिर ये न्यू टेक्सर है। हाँ हाँ, सरप्राइज है। अच्छा ये मल्टी स्टोन वाला, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी डर्ट है, थोड़ी बहुत डर्ट थी, उसकी भी मम्मा ने शेप्स बना दी हैं। ये ब्लैक चारकोल विद वाइट स्टोन टेक्सचर। उसके बाद यहाँ पे देखो, सारे टेक्सचर जो है ना बड़े अच्छे तरतीब से पड़े हुए, बस वो मेरा ट्राईपॉड उधर फूटा हुआ है। खैर उसको भी बाद में देखती हूँ, ट्राईपॉड को बस पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही तो मोबाइल लग रहा है। अच्छा जी, आज आई थिंक तो किसी की बर्थडे भी थी, थर्टी फर्स्ट अक्टूबर, तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे आपको। मैं नहीं कहा मम्मा कल क्यों कह रही थी टेढ़ा होया वींगा होया, वो नीचे को चला गया था तो उसको सीधा नहीं किया। दिस इज़ आर रेड टेक्सचर सैंड, ठीक है, जिसमें थोड़े से स्टोन्स ऐड है। बट फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ठीक हो गया। इधर आते हैं मल्टी स्टोन टेक्सचर की तरफ। मैं ज़्यादा डस्ट प्ले इसलिए नहीं कर रही आजकल, क्योंकि मेरा आगे गला बंद हो गया है, तो इस वजह से अभी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना ज़रा डस्ट कम ही उड़ाऊं। मैं बड़ा चाटा भी बन के नहीं आई।
चलो के बाद इधर आते हैं। हमारा ब्लैक ग्रेनी टेक्सचर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेनी टेक्सचर। अभी कल ही बनी है इसकी शेप्स मुझे, हाँ कल ही बनी थी मम्मा। ये भी ये मल्टी स्टोन वाला टेक्सचर है कि इसका, ये दो शेप्स परले का क्या अरले का ए वाले का। है ये उड़ले का था, कोई गल नहीं, अब इस टेक्सचर का था। क्रम्बलिंग करके पता चल गया मुझे। यहाँ पे देखते हैं भाई, ये हमारी बड़ी मज़ेदार सी डस्टी ग्रीटी सैंड है, ठीक है, डस्टी ग्रीटी सैंड। दो मम्मा के लिए बचा देते हैं। इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, इसको मैंने चेह रही। ये कहाँ से आए हैं आई डोंट नो। ये भी ब्लैक ग्रेनी सैंड टेक्सचर ही है जिसको मम्मा ने यहाँ से उठा के ना वहाँ पे बना दिया। हम इसको यहाँ पे क्रम्बल कर लेते हैं। राम नल राम नल कन्ना च वजदी है। हवा कितनी तेज है। सारा उड़ उड़ के व्हाइट सैंड पे जा रहा है, ये देखो की फायदा होया। फिर कट्टा ही कट्टा हो जा रहा है इसके ऊपर। यहाँ पे आते हैं ब्राउन सैंड, हमारी ब्राउन सैंड। ये भी बैठा है यहाँ से सारी, इन्होंने छेड़ते, इन्हें फाड़ लेने।